跟你停掉尾。मैया ने कन्हैया को झुला करके और पालना में पौढ़ा दिया, स्वयं व्यवस्था में लग गई। और तहां तक व्यवस्था में लगी कि कन्हैया को भूल ही गई कि कहां लेटा है। कन्हैया ने कहा, अच्छा उत्सव हमारा मना रही हो, हमी को भूल गई, हमारा ही उत्सव और हमी को भूल गई। ध्यान रखना, आप कुछ भी करना लेकिन कभी ठाकुर को मत भूलना। कितने भी बड़े बन जाना लेकिन ठाकुर को मत भूलना। हम करते क्या यही कि जब हम बढ़ते हैं धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, तो सबसे पहले हम उस ठाकुर को ही भूलते हैं, उस परमात्मा को ही भूलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसी की पत्नी से प्रेम करो और उसके पति से न करो, बोलो क्या हाल होगा? किसी की पत्नी को चाहो और उसके पति को न चाहो, और हम क्या करते हैं? यही करते हैं ना, बोलो यही करते हैं ना। पत्नी को तो बहुत चाहते हैं लेकिन पति को नहीं चाहते, पति को भूल जाते हैं। चाहने की तो बात ही खत्म, भूल जाते हैं। लक्ष्मी को सब चाहते हैं लेकिन लक्ष्मी नारायण को सब भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, लक्ष्मी मैया स्थिर कहां है? लक्ष्मी को चंचला कहा गया, कभी रुकती नहीं है। हां अगर रोकना है, अगर रोकना है तो नारायण का भी स्मरण करना होगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के पास ही रुकी हैं। क्षीर सागर पर भगवान लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, वहीं रुकी हैं, अन्यत्र कहीं लक्ष्मी जी रुकी नहीं है। ध्यान रखना, तो यदि संपत्ति तो पा सकते हो, सब कुछ परिश्रम से और नाना प्रकार से पा सकते हो, लेकिन ये कब चला जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। इसे अगर स्थिर करना है, रोकना है, तो मेरे ठाकुर को याद रखना होगा, उसको मानना होगा, उसको बुलाना होगा। कन्हैया ने कहा, मैया तू मेरा ही उत्सव मुझे ही भूल गई। कन्हैया ने कहा, जो मुझे भूलकर भोग पदार्थों में लग जाता है, एक दिन मैं उसके भोग पदार्थों की गाड़ी पलट देता हूं। तो जिस गाड़ी में सामान रखा था महाराज, सारी भोग सामग्री जो व्यवस्था की रखी हुई थी, कन्हैया ने एक लात निकाली पालने से, लात को बढ़ाया और एक कस के उस गाड़ी में मारी, गाड़ी उछली और पलट के गिर पड़ी, सारी सब सामान नष्ट भ्रष्ट हो गया। और उस पर बैठा हुआ सकटासुर भी उस गाड़ी के नीचे दब करके मर गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। इसलिए प्यारे, केवल संपत्ति के एकत्रित करने में मत लग जाना। देखो धन और धर्म, धन है एक मरहम और धर्म है टॉनिक। धन बाहर की चीज है, आपने जो मरहम लिख, जो ऑइंटमेंट आता ना ट्यूब, आपने देखा होगा लगाने के लिए बाहर, उस पे लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, केवल बाहरी प्रयोग के लिए लिखा होता है ना उस पे अंग्रेजी में, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, केवल बाहरी प्रयोग के लिए। तो धन किसके लिए है? बोलो, बाहरी प्रयोग के लिए, व्यवस्था चलाने के लिए, अंदर बिठाने के लिए नहीं है। और टॉनिक पे लिखा होता है ना कि फॉर इंटरनल यूज, टॉनिक को पिया जाता है। तो धर्म को पियो, अंदर ले जाओ, आचरण में लाओ, और धन को बाहर से जियो, व्यवस्था के लिए रखो, अंदर मत बिठाना। कन्हैया कहता, जिस दिन तुमने मुझे छोड़कर और अपने धन को अंदर बिठाना प्रारंभ कर दिया, तो जैसे मैंने दिया वैसे ही मैं ले लेता हूं। ये कहा गया है कि जब परमात्मा देता है
तो छप्पर फाड़ के देता है, जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो फर्श भी उखाड़ लेता है, फर्श भी उखाड़ लेता है। ध्यान रखना, इसलिए ज्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में मत रख। एक व्यक्ति था महाराज, रास्ते में बैठा रो रहा था, बहुत रो, आंसू बंद न हो। उधर से नारद जी निकले, नारद जी ने देखा बड़ा बेचारा रो रहा है, बड़ा परेशान है। तो नारद जी ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे? बोले, गुरु जी आप रोने की बात कह रहे हो, दो दिन से भोजन नहीं बनाया, घर में कुछ भी नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, इसलिए महाराज कृपा करो, ऐसा कुछ करो जिससे हमारा कल्याण हो। तो उसे रोता जब देखा तो नारद जी ने कहा, बेटा रो मत, तुम परेशान मत हो, हमने तुम्हारी व्यवस्था कर दी है, जाओ, हमने हम इतना धन तुम्हें दे रहे हैं कि तुम्हारी तीन पीढ़ियां बैठ करके खाएंगी, तीन पीढ़ियां तुम्हारी बैठ करके खाएंगी, जाओ इतना धन दे रहे हैं, कोई बात नहीं। नारद जी चले गए ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक जाने के बाद कुछ दिन बाद नारद जी ने सोचा कि देखे हमने उसे इतना धन दिया, बड़ा प्रसन्न होगा, बड़ा खुश होगा, बड़ा आनंद में होगा। तो नारद जी दो तीन महीने बाद उधर से वापस आए, जब वापस आए तो देखा कि वो वही जिस जगह पहले रो रहा था उसी जगह बैठा रो रहा। तो नारद जी ने उससे पूछा, बेटा क्या बात है, हमने तो तुम्हें इतना धन दे दिया कि तुम्हारी तीन पीढ़ियां खाएंगे, लेकिन तुम उसी जगह फिर बैठे रो रहे हो, अब क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा, गुरु जी आपने तीन पीढ़ियों की तो व्यवस्था कर दी, तीन पीढ़ियों की तो आपने व्यवस्था कर दी, लेकिन गुरुजी चौथी पीढ़ी क्या खाएगी, इसलिए हम रो रहे हैं, चौथी पीढ़ी क्या खाएगी, तो हम चौथी पीढ़ी की व्यवस्था करने में लगे हैं। इसलिए प्यारे मनी माइंड मत बनो, धन को अंदर मत आने दो। कन्हैया ने सकटासुर का वध कर दिया, और इसी तरह कन्हैया ने बमंडर के रूप में आए हुए तृणावर्त का श्रृंगार कर दिया, और मैया को जमहाई लेकर के ब्रह्मांड के दर्शन कराए। उसके बाद नंद जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहा, ब्राह्मण जन्म से गुरु होता है, इसलिए गुरुदेव हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण कर दो। तो गर्गाचार्य जी ने दोनों को एकांत में ले जाकर, एकांत में इसलिए ले गए कि कहीं कंस न जान ले, इसलिए एकांत में चुपचाप दोनों का नामकरण किया। बड़े भैया का नाम बलराम रखा और छोटे का नाम कृष्ण रखा। बोलो बलदाऊ भैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय हो। अब हमारा कन्हैया कुछ बड़ा होने लगा, थोड़ा बड़ा हुआ, घुटने के बल चलने लगा, घुटनों के बल चलने लगा कन्हैया, तो कहीं आग से गिरने की बचता, कहीं बछड़ों की पूंछ पकड़ लेता, कहीं गौशाला में चला जाता, कहीं कहीं चला जाता, पूरे दिन मैया को कन्हैया को संभालने में ही लग जाता। कन्हैया थोड़ा और बड़ा हो गया, अब खड़े होकर के चलने लगा। तो जब खड़े होकर के चलने लगा तो एक दिन मटकी में हाथ डाल करके, मैया बाहर गई थी, मटकी में हाथ डाल करके मक्खन निकाला और खंभे के सामने खड़ा हो गया। चूंकि खंभे मड़ियों से बने थे तो मड़ी में कन्हैया का फोटो आ रहा था। तो कन्हैया ने सोचा कि ये कोई दूसरा बालक चुपचाप घुसाया है, तो उससे कहने लगा, देखो भैया तुम कहना मत मैया से, हम जो है हम अकेले नहीं खाएंगे, तुमको भी खिलाएंगे, जितना हम खाएंगे तुमको भी खिलाएंगे, इसलिए कहना मत।
तो स्वयं भी खाते हैं और उस उसको भी देते हैं, प्रतिबिंब को भी देने लगते हैं। तब तक मैया आ जाती है। मैया ने कहा, ये कन्हैया ये क्या हो रहा है? तो बोलते हैं, मैया ये जो कोई बालक है ना, ये अंदर आ गया है, ये माखन मांगता है, तो स्वयं भी खाता है और मुझे भी खिलाता है, इसी ने मेरे मुंह में लगा दिया है, मैंने कुछ नहीं किया। मैया माता कयेषु नवनीत विदं त्वदीयं लोभेन चोरयुतमद ग्रहं प्रविष्ट मद्वारणं नमनुते मयि रोषभाजी रोषं तनोति नहि मे नवनीत लोभम। मैया, ये जो बालक आया है इसी ने, इसने ही मक्खन लिया है, इसने ही हमारे मुंह में लगा दिया है और ये स्वयं भी खा रहा है और हमको भी खिला रहा है, कौन है मैया ये? मैया कन्हैया की ऐसी बातें सुनकर के हंसने लगी। एक दिन कन्हैया माखन चुरा रहे थे, तो चुराते हुए अंदर उस मटकी में हाथ डाले हुए पकड़ गए। मैया ने कहा, ये क्या कर रहा था कन्हैया तू? तू मटकी में हाथ डाले? तो कन्हैया ने कहा, मैया इसमें तेरी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मेरी गलती क्या है? बोले, तेरी गलती ये मैया, जो तूने मेरे हाथ में ये पद्मराग बांधा है ना, इसमें इतनी गर्मी लगती है कि मेरा हाथ जला जा रहा है, तो हाथ को ठंडा करने के लिए हमने मक्खन में हाथ डाला था, और कोई बात नहीं है, हम क्या चोर थोड़ी है। अब तो पूरे ब्रज की गोपियां हर क्षण कन्हैया का ध्यान करती, हर पल कन्हैया का ध्यान करती, और जब तक कन्हैया का दर्शन नहीं कर लेती गोपियां जल नहीं पीती, जल नहीं पीती, हर क्षण उसी का ध्यान। अरे एक गोपी तो माखन बेचने जा रही थी सर पे रखे, और गली में जैसे ही पहुंची तो माखन ले लो की जगह माधव ले लो, माधव ले लो, माधव ले लो कहने लगी। कन्हैया मिल गया गली में, बोली, कन्हैया ने कहा, अरे पगली गोपी तू माखन बेच रही है कि मुझे ही बेचे डाल रही है? तब गोपी को होश आया कि मैं कह क्या रही हूं, तो गोपी एकदम सावधान हुई, बोले, कन्हैया अरे तुझे कौन बेचेगा और तुझे खरीदे भाई खरीदेगा भी कौन? अरे तू तो काला कलूटा, तुझे कौन लेगा? और फिर तो जसुदा का तो पुत्र है नहीं, मैया का तो पुत्र है नहीं, यशोदा भी गोरी और नंद भी गोरे, तू काला कहां से आ गया? कन्हैया ने उस गोपी की साड़ी को पकड़ लिया, और जब साड़ी को पकड़ लिया तो गोपी ने कहा, कन्हैया मेरी साड़ी को छोड़ दो, नहीं तो मेरी सास जो है मुझे बहुत मारेगी, मेरी सास मुझे बहुत मारेगी, इसलिए कन्हैया मेरी साड़ी को छोड़ दो। कन्हैया ने साड़ी छोड़ दी, गोपी चलने लगी, और जैसी गोपी चली वैसे ही कन्हैया ने एक कस के कंकड़ मारा, गोपी की सारी साड़ी सन गई। सारी साड़ी सन गई। गोपी ने मैया से कहा जाकर के, मैया तेरा कन्हैया बड़ा ढीठ हो गया है, देखो इसने क्या हालत हमारी बना दी है, सारी साड़ी हमारी खराब कर दी। मैया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया ये तूने क्या किया? कन्हैया ने कहा, मैया तुम तो इनकी बातों में आ जाती हो, तुम तो इनकी बातों में आ जाती हो, गोपियों की, गोपियां बहुत चालाक है मैया, ये सड़ा हुआ माखन बेचती है, और मैं स्वास्थ्य प्रचार मंडल का अध्यक्ष हूं, अगर कोई खराब मक्खन खा के बीमार पड़ गया तो क्या हालत होगी? मैया ये सड़ा मक्खन बेचती हैं, इसलिए मैं इनकी मटकी को फोड़ देता हूं।
मैया चुप हो गई, गोपी चली गई। अगली बार एक दिन मैया ने कन्हैया को खड़ा किया और पूछा, कन्हैया तुझे क्या अच्छा लगता है, तुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? पूड़ी अच्छी लगती है, कचौड़ी अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है? कन्हैया ने कहा, मैया हमें सबसे अच्छा माखन लगता है। अच्छा माखन लगता है? बोले हां। ये बात एक गोपी सुनती रही और गोपी कहने लगी कि कभी हमारे घर भी कान्हा आता और हमारा भी माखन खाता, लेकिन वो को क्यों आएगा, वो तो इतने बड़े घर का है, लाखों गायें जिस नंद के घर में है, नौ मन माखन जिसके घर में होता है, वो मेरा माखन क्यों खाएगा, मेरे टूटे फूटे घर में आकर के क्यों मेरा माखन खाएगा, नहीं आएगा। लेकिन प्यारे तू तो दीन बंधु है, तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया, हजारों हजार जन्म अपने हमने तेरे लिए कुर्बान किए प्यारे। कन्हैया समझ गया और गोपी जब तक घर पहुंचती, कन्हैया उससे पहले ही गोपी के घर में पहुंच गया और माखन छींके से मटकी निकाली और माखन खाने लगा। जैसी गोपी ने देखा, अरे कन्हैया मेरे घर में माखन खा रहा है, गोपी पागल हो गई, प्रेम से नाचने लगी। और जब गोपियों ने पूछा, अरे सखी तुझे क्या मिल गया है, तो उस गोपी ने कहा, सखी ये मत पूछो कि क्या मिल गया है, ये पूछो कि आज क्या नहीं मिल गया है, आज तो सब कुछ मिल गया है। इस तरह कन्हैया जो है दिव्य लीलाएं करता और प्रतिदिन गोपियों की मटकी को फोड़ देता। गोपियां उलहना लेकर के मैया के पास आती। एक दिन एक गोपी उलहना लेकर के आई, मैया हमरी मटकी उलट के, हमरी मटकी उलट के पलट गयो रे, हमरी मटकी उलट के पलट गयो रे, नदरानी तेरो लाल जबर भयो रे, नदरानी तेरो लाल जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, नदरानी तेरो लाल जबर भयो रे, नदरानी तेरो लाल जबर भयो रे। जाकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान जाकी लगे प्यारी प्यारी, पागल भई जापे, पागल भई जापे सारी ब्रज नारी, पागल भई जापे सारी ब्रज नारी, मुस्कान जाकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान जाकी लगे प्यारी प्यारी, पागल भई जापे सारी ब्रज नारी, पागल भई जापे सारी ब्रज नारी, जाकी मुरली पे जियरा हरि वो, जाकी मुरली पे जियरा अटकी गयो रे, जाकी मुरली पे
चली गयो रे नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे हमरी मटकी उलट के पलटी गयो रे मेरी मटकी उलट के पलटी गयो रे नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे हमरी मटकी उलट के पलटी गयो रे हमरी मटकी उलट के पलटी गयो रे नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे चुरावे आवे सुखावे काना आधो गिरावे 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 मैया हल्ला मचेओ जय हो मैया हल्ला मचेओ तो सटकी गयो रे मैया हल्ला मचेओ तो सटकी गयो रे नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे हमरी मटकी उलट के पलट गयो रे हमरी मटकी उलट के पलट गयो रे नंद रानी तेरो नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे जय जय चुपके से आके करे चीर चोरी पनघट पे आके करे सीना जोरी पनघट पे आके करे सीना जोरी मैया रुक गो हमारो मैया रुक गो हमारो चटकी गयो रे मैया रुक गो हमारो चटकी गयो रे नंद रानी तेरो लाला नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे हमरी मटकी उलट के पलटी गयो रे हमरी मटकी उलट के पलटी गयो रे नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे
शिकायत लेकर के आती, कन्हैया कुछ न कुछ जो है बहाना बना देता। सारी गोपियां हर क्षण कृष्ण के रंग में रंगी रहती, एक भी क्षण गोपियों के मन से कृष्ण की सूरत, कन्हैया की सूरत नहीं हटती। रात दिन उसी का स्वप्न देखती, उसी में रहती, उसी में जीती, उसी में सोती, उसी में जगती, हर क्षण कन्हैया कन्हैया कन्हैया। और जब तक यशोदा मैया के यहां आकर के कन्हैया के दर्शन नहीं कर लेती, तब तक जल भी नहीं पीती। तो गोपियां आई, उसमें से एक गोपी को मैया ने रोक लिया और कहा, गोपी जब तक हम और काम करें, तुम हमारे इस दही को मत दो। मैया ने मटकी निकाल के बाहर रखी और गोपी तो कन्हैया को देखी, गोपी ने कुछ नहीं देखा, कहा मटकी रखी कहा नहीं रखी, गोपी तो कन्हैया की धुन में। मैया ने कहा, गोपी जो हमने ये मटकी रखी है इसमें दही बिलो दो। तो मथानी दी आकर के मैया ने, और मथानी लेकर के चली गोपी, लेकिन दृष्टि कन्हैया की तरफ, जाकर के ठोकर लगी मथानी में, उसमें मटकी में, तो मटकी का सारा दही सब फैल गया, दही सारा फैल गया, लेकिन गोपी की नजर कन्हैया पर। गोपी ने कन्हैया को देखते ही देखते मटकी सीधी की और मथने लगी, उसमें दही का कहीं कण भी नहीं बचा, दही सब खाली मटकी मथे जा रही। जब 20 मिनट लगभग हो गए, कन्हैया ने मैया की तरफ इशारा किया, मैया देखो इस पगली क्या कर रही है, खाली मटकी मथे जा रही है गोपी ये। और मैया ने देखा गोपी खाली मटकी मथे जा रही, मैया ने कहा, गोपी क्या कर रही है, ये खाली मटकी मथे जा रही है, देख तो। और जैसी गोपी ने देखा कि दही सब बाहर निकला पड़ा, हम खाली मटकी को मथे जा रहे हैं, गोपी शर्म से उसका सिर झुक गया, चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। ऐसी हालत हमारे कन्हैया ने गोपियों की कर दी कि वो देहभान भूल गई, अपनी सुध भूल गई। मोहन ने जिसे चाहा मस्ताना बना दिया, मोहन जिसे चाहा मस्ताना बना दिया, मोहन जिसे चाहा मस्ताना बना दिया, जिस एक नजर देखा, जिस एक नजर देखा दीवाना बना दिया, जिस एक नजर देखा दीवाना बना दिया, जिस एक नजर देखा दीवाना बना दिया। जिसे चाहा मस्त
तेरी रग रग घायल है, तेरी चितवन ने कर दी मेरी रग रग घायल है, मेरी चितवन ने कर दी मेरी रग रग घायल है, तेरी चितवन ने कर दी मेरी रग रग घायल है। मैं क्या सारी दुनिया तेरे प्रेम में पागल है, मैं क्या सारी दुनिया तेरे प्रेम में पागल है, तेरी तिरछी नजरों पे मैंने सब कुछ लुटा दिया, मोहन ने जिसे चाहा मस्ताना बना दिया, जिसे एक नजर देखा दीवाना बना दिया, जिसे एक नजर देखा दीवाना बना दिया, मोहन ने जिसे चाहा मस्ताना बना दिया, मोहन ने जिसे राधे श्याम। ऐसे आनंद नहीं आया। अच्छा घर में लड़ते हो तो कितनी तेज बोलते हो? जय जय। एक बेटी ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी जी टीवी और रेडियो में क्या अंतर है? मम्मी ने कहा इतनी नहीं बात जानती, टीवी और रेडियो में अंतर नहीं जानती? नहीं, पूछ रही हूँ क्या अंतर क्या है। बोले अंतर सुनो, जब हमारे और जब तुम्हारे पापा और हम कमरे में लड़ते हैं तब तो होते हैं रेडियो, और जब लड़ते लड़ते सड़क पे आ जाते हैं तो टीवी बन जाते हैं। तो इसलिए जब हम झगड़ते घर में और चिल्लाते सब, लेकिन प्रभु का नाम लेने में, भगवान का नाम लेने में, राधे जी का नाम लेने में, अरे जिसकी एक बार नाम ले लोगे ना जीवन ही बदल जाएगा। पता नहीं कब हृदय से नाम निकल जाए और कल्याण हो जाए। बोलो जय जय श्री राधे। अच्छा कभी कभी झगड़े में, अच्छा क्रोध में विवेक नहीं रहता, ये तो सभी को मालूम है, क्रोध में ज्ञान नहीं रहता। चार प्रकार के अंधे बताए गए शास्त्र में, चार प्रकार के अंधे बताए गए। एक तो जन्मांध बेचारा जो अंधा शुरू से होता ही है, दूसरा क्रोधांध जो क्रोध में अंधा हो जाए, क्रोध में भी व्यक्ति कुछ नहीं देखता है, दूसरा मदांध जो मद में अंधा हो जाता, और तीसरा जन्मांध मदांध क्रोधांध तीन, और चौथा कामांध, काम में भी व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो कभी कभी जब पति पत्नी लड़ते हैं ना, तो क्या होता है, झगड़ा जब ज्यादा बढ़ जाता है तो किसी न किसी के मुख से कुछ निकल जाता। तो एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, तो झगड़ा होते होते पत्नी पति चुप हो गया,
और पति लड़े, पत्नी लड़े जाए बोले जाए, लेकिन पत्नी कुछ नहीं, पति कुछ नहीं बोले बेचारा चुप। और जब कुछ नहीं बोला तो पत्नी जब हड़ गई, ज्यादा गुस्सा आ गई, तो पत्नी ने कहा जानवर कहीं के बोलता तक नहीं, जानवर कहीं के बोलता तक नहीं। लेकिन पति ने फिर भी कुछ नहीं कहा, फिर भी नहीं बोला, कोई बात नहीं, चला गया। शाम जब हुई तो पत्नी पति के पास पहुंची और कहा महाराज हमने आपको बड़ी गलत बात कह दी, गुस्से में आप हमें क्षमा करना, हमने बड़ा गलत आपसे कह दिया। पत्नी ने कहा, पति ने कहा तुमने हमसे क्या गलत कह दिया, अरे जो हम हैं वही तो तुमने कह दिया। तो पत्नी ने कहा महाराज हमने आपसे जानवर कह दिया, लेकिन आप जानवर थोड़ी है। अरे बोले और कौन है, तुमने हमसे बिल्कुल ठीक कहा, जो तुमने कहा वही हम हैं। तो पत्नी और शर्मिंदा हो गई, बोले नहीं महाराज क्षमा करो, हमने आपको गुस्से में जानवर कह दिया, हमें क्षमा करो। बोले नहीं क्षमा करने की बात हो तब तो क्षमा करें, जो हम हैं वही तुमने कहा, महाराज जानवर कैसे हो, बोले तुम जानते नहीं। बोले नहीं, बोले पत्नी को प्रेम में कहते हैं जान, कहते हैं। बोले हाँ। तो बोले तुम हमारी जान और हम तुम्हारे बर, बोले हो गए जानवर। और कौन है, बोलो जानवर नहीं और कौन। तो इसलिए प्यारे बड़े प्रेम के साथ परमात्मा का नाम लेना चाहिए।